अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मुसलसल अवाम को पीने के पानी की परेशानी हो रही है। वादी उमर कॉलोनी में कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही थी, इसीलिए लोगों ने आज सड़क पर निकलकर एहतजाज किया और ट्रैफिक को जैम किया, जिसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंची, लेकिन अवाम का गुस्सा देखकर पुलिस भी पीछे हट गई। नाज़रीन, जब जब अवाम अपने हक के लिए लड़ती है, यकीनन उसको उसका हक मिलता है, लेकिन शर्त है कि अवाम अपने हक को लड़ना सीखे और लड़े और लेना सीखे, तभी जाकर अवाम का मसला हल हो सकेगा। वरना याद रखिए, ऐसे कुछ मुट्ठी भर सियासतदान हमारे जज्बात से खेलेंगे और हमारे साथ ऐसे ही मनमानी करेंगे। वादी उमर कॉलोनी की अवाम ये बता दी कि अगर उनको हक नहीं दिया जाएगा तो वो छीनना जानती है, इसीलिए साबिर अली जलपल्ली कमिश्नर ने तौखु दिलाया कि जल्द से जल्द वहाँ पर पानी का मसला हल होगा और इन 3-4 दिनों में वहाँ पर कनेक्शन भी लगाए दिए जाएंगे पानी के। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि जलपल्ली इलाके में वादी उमर कॉलोनी के जो लोग आगे बढ़े हैं, वैसे ही अपने हक को लेने के लिए लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और ऐसे डरपोक और बेईमान करप्टेड ऑफिसरों को बता दें कि आज भी हमारे मुल्क में ईमानदारी से हक को जीता जा सकता है, हक को लिया जा सकता है, और ईमानदारी आज भी मौजूद है, और कुछ ऐसे ऑफिसर जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी आज मौजूद है। मैं हमीद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। होटल के पास में धरना दे रहे, 2 बैरल पानी 8 दिन में 2 बैरल पानी दे रहे। रमजान चालू हो गया, 2 दिन बाकी है, पानी का कोई काम नहीं है। 600 कनेक्शनों को काट के फेंक दे रहे हैं, खाली दावे तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। साबिर अली साहब करे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और एरिया का नाम बोले तो एरिया का नाम नहीं मालूम, वाजी उमर नहीं मालूम, शाहिद नहीं मालूम, वाजी मुस्तफा का नहीं मालूम है। खाली बैठ के सीट पे बैठ के खाली कमाने का लगा हुआ है। सीएम साहब भी कॉपरेट नहीं कर रहे, केटीआर साहब, सीएम साहब हमारे, सीएम महमूद अली साहब भी, महमूद अली साहब आके दौरा भी करके गए, दौरा करके महीने में कर रहा हूँ बोले, आज तक अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ऐसे का वैसे से रमजान है, पानी की तकलीफ, लाइट की तकलीफ, लाइट नहीं है, बस्ती में जाने के लिए लाइट नहीं है, रास्ता सही है तो जाएंगे कहां से? केटीआर साहब पानी का, पानी तो वही पानी का, पानी के साथ साथ लाइट का भी होना हमारा इलेक्शन के बाद। केटीआर साहब लाइट भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या करना हम लोग? रोड पे निकल के बैठेंगे हम लोग? रोड के रोड पे निकलने की वजह यही है, हमारे उमर बम साहब आने से हम लोग बाजू कट गए, उमर बम साहब की बात सुन के और असद साहब की बात रहने से हम लोग ये बात को बाजू कट गए। उमर साहब आगे बात कर रहे हैं, बात हो रही पानी के वास्ते, तो पूरा रोड बैन कर दिया हम लोग। अब हमको पानी होना, लाइट होना, टेनिस का होना, हमारे को 3 चीज होना, और महमूद अली साहब हमारे केटीआर साहब का दौरा होना, जब इलेक्शन के टाइम पे केटीआर साहब आए थे, दौरा करे, वादा करे केटीआर साहब, क्या हुआ पानी के वास्ते? आज तक भी दौरा नहीं हुआ, फिर इलेक्शन का उमर साहब पूरे आगे दौरे अहमद सादी ऑफिस के सामने करे थे, उन्होंने जब एहतजाज करने के ऐसे रोड पे आ गए, उमर बम साहब आ गए, हमारे उमर बम साहब हमारे अच्छेपुरे में काम में आते, उनकी बात सुनना पड़ता, हमारे सुनने की जरूरत में अच्छा नहीं रहता, उनकी बात समझ गए। इलेक्शन था तो कट करे से, बोलो इलेक्शन था, कनेक्शन था तो काट के फेंक दिए, बोल रहे हैं इसलिए पब्लिक को तकलीफ देना जरूरी नहीं है, मगर पानी आना जरूरी है। वादे साले वादे वादे उमर में पानी नहीं है, ट्रैफिक रुकाना मतलब नहीं है, पानी के वास्ते ट्रैफिक रुकाए, पानी के बैलर भेजते बोले ना, बैलर भेजना कोई मतलब की बात नहीं है, 4 दिन बैलर लाते, बाद में बैलर वाले भी पानी वाले भी डाके सो जाते, नहीं लाते,
चार दिन ही देती बैलर का पानी, बैलर भी आई तो एक बैलर पानी मुश्किल से कर रहा, एक एक मग पानी फेंकने के आते सोचना पड़ रहा, बहुत तरह से पानी के आते, नल की सहूलत कराओ, नल के पानी की सहूलत कराओ, यहाँ पर नल की लाइन कराओ, बहुत तरह से रोज पे कर आप पानी कहाँ से भरेंगे, कहाँ से लेंगे, पानी तकलीफ है, लाइट है ना, पानी आ रहा, टैंकर आ रही, हफ्ते में एक बार आ रही, हर गेट में खाली एक घर में दो बैनर पानी दे रहा सब, तो हम कितने दिन चल रहे सब, आप उमर साहब जो आए हुए हैं ना, उनके बोलने के तरह से पूरी ट्रैफिक हमका साफ कर दिया सब, क्यों बोले तो ऐसा सब बोले कि कल कंपनी ऑफिस को जाके म्यूनसिपल में कंप्लेन देंगे और आप लोगों को पानी पहुँचाएंगे बोल के इंतजाम करिए बोल के बोले, इसलिए हम ट्रैफिक जाम करने से बेहतर हम बीच में तैर गए सब। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सकीना है, राजू गांधी नगर से आए, पानी की 6 महीने से नला बंद कर दिए, पानी की मुसीबत हो रही, दो बैरल पानी दे रहे हैं हम लोग को, पानी के वजह से बहुत तकलीफ हो रही, क्या टैंकर नको हमारे नला खोलो, नला रमजान है, छोटे मासूम बच्चों को लेकर कहाँ फिरेंगे पानी के वजह से, बच्चे बीमार हो जा रहे हैं पानिया पी के, वो टैंकरों का पानी पी के पानिया, महिंदर को बोले तो महिंदर नला नहीं खो रहा, झटकियाँ दे रहा औरतों को, कब से नहीं पानी आ रहा, 6 महीने से नहीं आ रहा, नला बंद कर दिया 6 महीने, टैंकरों के जरिए आ रहा पानी, टैंकरों के जरिए आ रहा पानी, वो भी दूर रख रहे हैं टैंकर, घरों से उठाना पड़ रहा पानी, घरों में टैंकरों से पानी ला रहे हैं, बच्चों को रिएक्शन हो जा रहा है, तबियत खराब हो रही, 8 दिन में एक बैरल, एक घर को एक बैरल बोले तो पानी कैसा गुजरता, एक तो रमजान शरीफ आ रहा, अब हम लोगों के नला का कनेक्शन दे दिए तो बहुत मेहरबानी होती है आप लोगों की, बहुत परेशानी हो रही हम लोगों को, रोजगार है पानी के वास्ते, औरतें लेडीज पूरे गली गली में, बीमार आदमी हूँ, मेरे गुर्दों में दर्द है, मेरे फसलियों में दर्द है, टैंकर दूर दूर रख रहे हैं, वहाँ से उठा के लाना, हमको बहुत तकलीफ हो रही, कैसा होगा, कितने दिन में टैंकर आ रहा, यहाँ ऑफिस को आए तो कमिश्नर साहब नहीं है कहते, और कहाँ जाना साहब हम लोग, कहाँ पूछना, किसको पूछना, टैंकर कितने दिन में आ रहा हूँ, टैंकर 8 दिन में एक वक्त ला रहा है, 15 दिन में एक वक्त ला रही, तो अब कैसा जिंगे हम लोग, पानी नहीं सो कैसा होगा हम लोग, एक घर को कितने बैरल दे रहे, एक घर को एक बैरल पानी दे रहे, कुछ पैसे वगैरह ले रहे क्या, पैसे वो नहीं ले रहे, मगर वो क्या बोलते सुमा, टैंकर दो टैंकर जो बोले की लड़ाई हो रही, किरकिरी दुनिया का मारम पिटी हो जा रही, एक को एक माल लिया जैसा है, क्या करेंगे, मेरा नाम समीना यास्मीन है, राजीव गांधी नगर में रहती मैं, हमारे एरिया में टाकी है, वो टाकी का कनेक्शन दूसरे और बस्तियों को सहूलत हो रही, लेकिन हमको नहीं हो रही, हम चाहते हैं कि हमारी बस्ती को भी सहूलत होना, ऑलरेडी हमारे पास पानी था, 6 महीने से हमारा कनेक्शन कट कर दिए, ऑलरेडी हम लोग नल के बिल भी बन रहे हैं, घर का टैक्स भी बन रहे हैं, फिर हमारे कोई आरामी भी नहीं दे रहे, कमिश्नर भी हमारी सुन रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग जो है ना कोई बात पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, यहाँ के लोग अंचलपल्ली ऑफिस वाले कई बार फोना कर रही, मैं कई बार ऑफिस के चक्रा काट रहे हैं, हम लोग आप लोग कंप्लेंट दिए, आप लोग यहाँ बहुत बार कंप्लेंट दिए हम लोग, 6 महीने में 12-13 बार तो भी दे दिए कंप्लेंट हम लोग, क्या बोले कमिश्नर साहब, क्या बोले, कुछ भी नहीं, एक्शन ही नहीं ले रहे कोई बात का, भेजेंगे बने, वो पानी ला रहे 2 ड्राम, 8 दिन में 2 ड्राम पानी, कुछ भी नहीं हो रहा, अब हुकूमत से क्या चाह रहे, अब हमको कुछ भी नहीं होना, कृष्णा के जो लेना ला लेना, और कृष्णा का पानी दस्तियाब करना है हम लोग के लिए, बस और कुछ भी नहीं है, इल्तिजा करना है आप लोगों से, बस और कुछ भी नहीं, मैं पहाड़ी शरीफ राजीव गांधी नगर से मखदूम पटेल बात कर रहा हूँ, तो जो है पानी के लिए जो है पूरी पब्लिक जो है आवाम मेरे घर पे आए थे, आके जो है पानी के लिए बहुत परेशान है, हम जो परसों जो है मैडम के पास भी गए थे पानी के लिए, जाके जो है मैडम से बात करे तो मैडम बोले ठीक है, 2-2 ड्रम पानी जो है टैंकर से दे रहे, टैंकर से क्या बस होता बोल के कमिश्नर साहब को भी बात करे उन्होंने, फिर कमिश्नर साहब के पास आए हम, कमिश्नर साहब से भी बात करें, कमिश्नर साहब बोले कि ठीक है 3-4 दिन में जो है आपको जो है कोई परेशानी नहीं होगी, दूर होंगी बोल के वादा करें, लेकिन अपने बस्ती में जो है पानी का टैंक बना हुआ है, टैंक में जो है मीठा पानी आ रहा, दूसरे बस्ती को जा रहा, पहाड़ी साहब राजीव गांधी नगर में कनेक्शन नहीं दिए, तो कनेक्शन दियो बोल के जो बोले तो जो है 6 महीने से जो बोल रहे हैं उसका कनेक्शन बस्ती को नहीं दे रहे, हमको यही चाहिए कि बस्ती से जो है टाँकी से कनेक्शन दे के मेहरबानी होती कि रमज़ान है, रमज़ान के महीने में जो है पूरी तकलीफ हो रही है पब्लिक को, वो तकलीफ़ दूर करने के लिए जो हम यहाँ पर आए थे ऑफिस करने, कमिश्नर साहब नहीं मिले, मेहरबानी करके जो है वो पानी की तकलीफ़ दूर करिए, पब्लिक जो है वही चाह रही, दूसरी कुछ बात नहीं है। यहाँ हाईवे होटल के पास जो पानी के लिए धरना दिया गया है,
मेरे माँ बहनों भाइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन लोगों का, क्योंकि मेरी जबान पर ये लोग रोड को जो धरना देकर रोड जाम कर दिए थे बिल्कुल उन्होंने हट गए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे वाटर वर्स वालों का बहुत जुलूम चल रहा है, वो साजिद सर का बहुत जुलूम चल रहा है, साजिद को पहले निकाल देना यहाँ से, क्योंकि वो बिल्कुल काम के लायक नहीं है, वो बिल्कुल वेस्ट आदमी है, फालतू आदमी है, वो काम का आदमी नहीं है, क्योंकि पब्लिक को ने हवा खा के दूषण पैदा कर रहा है यहाँ पे। और जो पानी आ रहा था कंटिन्यू यहाँ पे चार साल से पानी आ रहा था, चार पाँच साल से जो पानी आ रहा था वो भी लाइन बंद करा के कट करा के पब्लिक बैठा भी कट करा दे के पब्लिक को पानी नहीं दे रहा, वो बिल्कुल सता रहा। और मैं फोन करा था बोल रहा कि मैं क्या करूँ, पब्लिक धरना दे रही तो पब्लिक कल बताती उसको क्या करना, वो उन्हें हमारे एरिया में वो ऑफिसर नहीं होना। हम पद्माजा मैडम से बात करें, पद्माजा मैडम बोले जिस के पास भी म्यूनसिपाल्टी के ग्राम पंचायत के परमिशन है, जो हमारे पास डीडी है वो डीडी से करेक्शन देते बोले, इंशाल्लाह हमारे पास पूरे डीडिया हैं, हमारे पब्लिक के पास पूरे डीडिया हैं यहाँ पर, और इंशाल्लाह वो पूरा डीडिया बताएंगे और हम कल या परसों कनेक्शन लेंगे और पानी हम पूरी पब्लिक को देंगे इंशाल्लाह। मैडम से बात कर रहे थे अभी, आप मैडम क्या बोले? पद्माजा मैडम से बात करा मैं, पद्माजा मैडम बोले जिसके पास भी वाटर वर्स जो पुराने पानी के जो हमारे ग्राम पंचायत के और म्यूनसिपाल्टी के डीडिया है उन लोगों को बराबर कनेक्शन देंगे, और जिसके पास डीडिया नहीं है इंशाल्लाह कम से कम मैं कमिश्नर साहब से बात करके उन लोगों को डीडिया भी दिलाता हूँ और पूरे घर घर पानी देंगे। ये तीन दिन से हमारे महाराष्ट्र सरस्वती नवेदी साहब की हिदायत पर कंटिन्यू यहाँ पर वाटर वर्स वालों का काम चल रहा है, तकरीबन आधी बस्ती को पहाड़ी शरीफ से जो पानी आ रहा है वहाँ से दिया जाएगा और आधी बस्ती को चक्की पहाड़ की टांकी से पानी दिया जाएगा इंशाल्लाह। इसके लिए रोड पे तकरीबन काम चल रहा है, रमजान में पानी की तकलीफ नहीं होना, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो धाना किशोर साहब को कहे उसके ऊपर काम दबा के चल रहा है इंशाल्लाह। तुम लोगों से वादा कर रहा हूँ पानी मिलेगा, खारा पानी मिलेगा, मीठा पानी मिलेगा, और जो आप लोग जो मेरी बात सुनकर यहाँ से हटे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे महाराष्ट्र असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे पाशा खत्री साहब, हमारे हसन बिन गालिब अहमद साली साहब के कहने पर मैं यहाँ से नहीं था, दूर पे था, मैं मीरपेट पे था, वहाँ से आके हमारे भाई और बहनों की तकलीफ को दूर करने के लिए मैं आया हूँ, और इंशाल्लाह जरूर यहाँ पर पूरा मैं पानी नब तक नहीं दूंगा, मैं इन लोगों के साथ हूँ, साथ रहूँगा।